ये मेरा सौभाग्य है कि मछुआरे समाज के आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में, मछुआरे समाज के मंत्री के रूप में मैं शायद उनको पहली बार मिल रहा हूं, ये भी एक कारण हो सकता है। मगर मैं ये सागर परिक्रमा भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग की महत्वाकांक्षा योजना के अंतर्गत पूरे देश के कोस्टल की परिक्रमा करता हुआ आज भगवान जगन्नाथ जी की पावन धरती उड़ीसा में आ गया हूँ। आज मैं यहाँ जहाँ आपके साथ खड़ा हूँ, ये चिलिका सरोवर है। ये देश का सबसे बड़ा सरोवर है, भारत का, और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लगुन है। वो 3 जिलों को कवर करता है। 132 गांव इस सरोवर के आसपास मछुआरे लोगों के बसे हैं और करीबन 1,90,000 फिशरमैन सीधे इस चिलिका सरोवर से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान का प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के फिशरमैन के एसोसिएशंस के लोगों ने, यहाँ के जो मत्स्य संगठन है, उन सब लोगों ने इसके डेवलपमेंट के लिए हमको आवेदन भी दिए हैं। उसको विकसित करने का हम प्रयास भी करेंगे। हम राज्य सरकार के साथ मिलकर इसमें क्या कर सकते हैं वो भी जरूर करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मत्स्यकारों के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उसको जमीन पर क्या उसका असर है, कैसे पहुंच रही है, क्या पहुंचने में क्या दिक्कत हो रही है, उसका भी स्टॉक लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मत्स्यकारों के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाया, जो आज तक आज़ादी के पहले नहीं था। वो फिशरीज डिपार्टमेंट बनाया। मेरा सौभाग्य है कि उसका मंत्री बनने का मुझे अवसर मिला। और विभाग बनाने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके एक बड़ी योजना लागू की, जो मत्स्य विभाग के लिए इतिहास में पहली बार हो रहा है। अकेली एक योजना 20,000 करोड़ की है, और उसी में मत्स्यकारों के लिए, मार्केटिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्रीजिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन के लिए सारी सहायता देने का प्रावधान है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।